हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लाउड असलर्स। तो आज की लैब हमारी है, लैब को करते हैं जल्दी से स्टार्ट। क्रेडेंशियल लॉगिन करने के लिए पासवर्ड कॉपी करते हैं, कंसोल पे क्लिक करते हैं, देन आप लोग डैशबोर्ड पे लॉगिन हो चुके होंगे। डैशबोर्ड पे लॉगिन होते ही आपको क्लाउड सेल एक्टिवेट करना है, यहाँ क्लिक करेंगे, क्लाउड सेल को एक्टिवेट होने देंगे, वेट करेंगे। क्लाउड सेल हमारा एक्टिवेट हो चुका है। अब क्लाउड सेल एक्टिवेट होने के बाद सिंपली लैब पे आएंगे, टास्क वन में। टास्क वन से जो है कोड को, कमांड को कॉपी पेस्ट करना शुरू करेंगे। यहाँ पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे, क्लोनिंग होनी शुरू हो जाएगी, वेट करेंगे। तो ये कमांड हमारा रन हो चुका है। अब जल्दी से वापस चलते हैं, देन नेक्स्ट कमांड को करते हैं कॉपी, इसको पेस्ट करते हैं। यहाँ आपका पूरा पाथ चेंज हो चुका है, ठीक है। आपने पूरी डायरेक्टरी चेंज कर दी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पाथ आ चुका है। अब इस पाथ के अंदर आप जो है कोड करेंगे, देन यहाँ पे आएंगे जल्दी से। अब इसको करना है कुछ सेटअप वगैरह करना है पाइथन वर्चुअल एनवायरनमेंट की, ठीक है। तो आपको सिंपली से रन करा देना है, देन यहाँ पे वेट करना है। अभी कमांड को रन होने देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि सारे पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल होंगे, पाथ एनवायरनमेंट सब जनरेट होगा। तो ये कमांड भी हमारा रन हो चुका है, जल्दी से वापस आते हैं यहाँ पे। देन इस कमांड को कॉपी करते हैं। देखो अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह को जो है आपको वर्टेक्स AI के अंदर इनिशियलाइज करना है, ठीक है, वर्टेक्स के अंदर। देन यहाँ पे जो है यहाँ पेस्ट करते हैं, इसको एंटर करते हैं। तो आपका ये इनिशियलाइज हो चुकी है सारी चीज़ें। देन नेक्स्ट आते हैं, अब जो एप्लीकेशन को रन करना है हमें, तो एप्लीकेशन रन करने के लिए यहाँ इसको पेस्ट करते हैं, एंटर करते हैं। अब यहाँ पे ये आपको एक URL मिल चुका होगा, इस URL पे आपको क्लिक करना है, न्यू टैब पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। एक बार अपना ऐप देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे वेट करेंगे एक सेकंड का। तो यहाँ पे हमारा ऐप जो है स्टार्ट हो रहा है। अब आप लोग देख सकते हैं वर्टेक्स AI जेमिनी 1.0 API, ठीक है, ये अभी मॉडल रनिंग हो रहा है। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारा ऐप जो था इस तरीके का है। यहाँ जनरेट स्टोरी, ठीक है, कैरेक्टर वगैरह जो कुछ भी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक ऐप हमारा तैयार होकर आ गया है, ठीक है। यहाँ पे वापस आएंगे, आगे में क्या करना है, देखो ऐप अभी चल रहा है तो हमें अभी से रोकना पड़ेगा। तो कंट्रोल सी प्रेस कर दोगे तो ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अभी स्टॉप हो गया है। अब यहाँ एक्स देख लेते हैं, टास्क टू की तरफ आते हैं। देन इसको जो है जल्दी से यहाँ इसको पेस्ट करके और इसको रन कराते हैं। तो एक सेकेंड, यहाँ इसको पेस्ट किया और इसको रन कराया, इसको रन होने देते हैं, देन आगे देख लेते हैं जब तक ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देन कुछ इस तरीके का हमें आउटपुट देखने को मिलेगा, डन, देन ID, क्रिएट ID, ड्यूरेशन, सोर्स वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद द फाइनल स्टेप, डेप्लॉय करना है हमें सर्विस इन क्लाउड रन के अंदर, ठीक है, इमेजेस वगैरह। तो इसको करते हैं, रिपोजिटरी हमारी क्रिएट हो चुकी है, टेम्प्रेरी आर्चिव वगैरह फाइल वगैरह हो रही है, ठीक है, कंप्रेशन से पहले, तो इसको होने देते हैं। तो ये कमांड भी हमारा रन हो चुका है। देखो इस कमांड को रन होने में ना यहाँ पे आपको 4 से 5 मिनट लग सकते हैं, तो आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, अब इस लास्ट कमांड को कॉपी कर लेते हैं, देन यहाँ पे आते हैं, इसको करते हैं पेस्ट, देन करते हैं एंटर। अब इसको रन होने देते हैं, ठीक है। यहाँ सर्विस वगैरह जो कुछ भी है यहाँ पे सब कुछ एक्टिवेट हो जाएंगी और यहाँ पे सक्सेसफुली डिप्लॉयमेंट हो जाएगा हमारे क्लाउड रन के अंदर। आउटपुट कुछ इस तरीके का आएगा, डिप्लॉइंग न्यू सर्विस, डन, ठीक है। सर्विस वगैरह ये आप लोग देख सकते हैं, स्ट्रीमलेट वगैरह, तो ये यहाँ पे इस तरीके से सर्विस URL भी आ जाएगा। देन उसके बाद चूज द फंक्शनैलिटी दैट यू वुड लाइक टू चूज द एप्लीकेशन, ठीक है। प्रॉम्प्ट वगैरह ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, देन आपको बस यही एक क्लिक करना था। इसके बाद हम जो है लैब को चेक में प्रोग्रेस करा लेंगे, इसको प्रॉपर पहले रन होने देते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये कमांड हमारा रन हो चुका है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। अब जल्दी से चलते हैं लैब की तरफ चेक में प्रोग्रेस कराने। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ बेसिकली आपको एक ही चेक कराना था टास्क टू के अंदर, इसको हमने करा लिया है। देन यहाँ देख सकते हैं 100 में से 100 पॉइंट हमें पूरे मिल चुके हैं। देन इसी के साथ जो है अब लैब को करते हैं एंड, फिर से मिलेंगे एक नेक्स्ट लैब में। तब तक के लिए बाय बाय।